हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग CUET PG के थ्रू MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनके परसेंटाइल होनी चाहिए। इसके अलावा यदि उनके परसेंटाइल कम रह गई हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है, उन्हें कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि MBA को लेकर अलग से वीडियो बनाइए, तो फाइनली MBA को लेकर अलग से वीडियो बन रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूं तो टॉप कॉलेजेस में सबसे पहले जो टॉप कॉलेज बोल लो, यूनिवर्सिटी बोल लो, उसमें सबसे पहले आएगा कौन सा, BHU। यहाँ पर भी MBA दो फैकल्टीज़ में अवेलेबल है, एक है FMS मतलब फैकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और यहाँ पर भी जिस ट्रेड में अवेलेबल है ये वो है एग्री बिजनेस, यानी कि एग्री बिजनेस में ये MBA करा रहे हैं। सीट्स कितनी हैं, 60 सीट्स हैं, है ना। और MBA की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पर अपन प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट जो है एग्री बिजनेस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लगभग सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है। इसलिए पहली चॉइस होती है बच्चों की कि BHU का उनको क्या मिल जाए, एग्री बिजनेस मिल जाए। अब बात करते हैं कि किस परसेंटाइल के ऊपर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो 60 सीटें हैं, तो 60 का 3 गुना बच्चे हैं जो उनको कॉल किया जाएगा, 3 गुना बच्चे हैं उनको कॉल किया जाएगा। इसका मतलब अगर परसेंटाइल 100 से है तो 100 परसेंटाइल वाले लगभग 1 से 2 बच्चे होंगे। फिर अगर हम बात करें 99 to 100 परसेंटाइल, तो 99 to 100 परसेंटाइल में करीबन 100 से 125 बच्चे हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें 98 to 99 परसेंटाइल, तो इसके अंदर वापस से वही 100 से 125 बच्चे हो जाएंगे। तो जिन लोगों की परसेंटाइल 98 अबाव रहेगी, इसको 97 भी ले लो क्योंकि 97 से ऊपर भी 97 वालों को भी कॉल हो सकता है, तो 97 या ऐसा बोल लो 98 सेफर साइड लेके चले, तो 98% से ऊपर वाले, 97.5 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको BHU FMS से कॉल हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई फाइनल नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, एग्री बिजनेस की। फिर अपन बात करते हैं दूसरी किसकी, BHU FOC। FOC मतलब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आपको तीन ट्रेड हैं जिनके अंदर आप MBA कर सकते हैं। एक होगा FT, RT, FM, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड और एक RT। तो इनके अंदर आपको MBA करने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो रहती है FM की, तो इसके अंदर कंपटीशन क्या होता है, टफ होता है। तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग परसेंटाइल वेरी करेगी। हम ये पकड़ के चल लेते हैं कि यदि आपकी परसेंटाइल 96.5 से ऊपर है, प्लस है, 96.5 से प्लस है, तो आप लोगों को कॉल हो जाएगा कहाँ से, BHU ऑफ FOC से। इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। FMS वाला जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर आता है, FOC वाला है जो कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है BHU का उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी कॉल हो जाएगा। यहाँ से जिन बच्चों को कॉल होगा उनको GD के लिए बुलाया जाएगा। GD का जो मार्क्स हैं वो कितने रखे जाएंगे, 20%, जो टोटल मार्क्स है 400 उसके 20% मार्क्स GD के रखे जाएंगे, उनका GD होगा, इसलिए 3 गुना बच्चों को कॉल किया जाता है। तो अगर हम BHU की बात कर रहे हैं तो BHU FMS के लिए अगर हम बात करें, फैकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो वहाँ की जो कट ऑफ है उसको 97 प्लस लेके चल लो, और जो BHU FOC है फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स है, तो उसके लिए जो कट ऑफ है उसको परसेंटाइल वाली उसको 96 प्लस लेके चलो, ठीक। फिर हम बात करते हैं HCU की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी लगभग 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को यहाँ पर भी कॉल हो जाएगा MBA के लिए। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जो MBA अवेलेबल है वो एग्री बिजनेस में, और एग्री बिजनेस आज की तारीख में डिमांड में है, हॉट कोर्स है। तो यहाँ पर भी जो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जिन बच्चों की 94-95 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो उन लोगों को कॉल हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। फिर एक कॉलेज निकल के आता है DAVV, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, परंतु अगर MBA की बात करें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे इसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। फ़ीस भी बहुत कम है क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो फ़ीस भी बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चों की फर्स्ट
चॉइस भी बन जाता है कई बार और प्रेफरेंस भी देते हैं, क्योंकि इंदौर भी अपने आप में अच्छी सिटी है। तो जिन बच्चों के 92% से ऊपर है, और मैं तो कहूँगा 93% से ऊपर जिन बच्चों के हैं, तो उनको DAVV से कॉल हो जाता है। DAVV को लेकर मेरे को कमेंट भी आए हैं कि इसको लेकर अलग से वीडियो बनाइए, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा अगले एक दो दिन में उसको DAVV को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक हम 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। BHU के 2 कॉलेज, 2 HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CU पंजाब और DAVV इंदौर। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है AKTU, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, UP की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो उसमें मिलेगा आपको IIT लखनऊ, बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा होगा। झांसी की बात कर लें तो यहाँ पर भी जिन बच्चों की 92% से ऊपर है उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BBAU हो गया है ना, BBAU यानी कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, नेहू, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BBAU की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटाइल है वो 93% से अबव है, तो आप BBAU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 90% के ऊपर अगर आपकी परसेंटाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेहू की सेम कहानी, 85 के ऊपर आप जाओगे तो नेहू में अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करें यदि आपकी परसेंटाइल लो परसेंटाइल है, लो परसेंटाइल को भी मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक वो परसेंटाइल जो 70 से लेकर और 90 तक है, तो 70 से 90 तक जो है उनको कहाँ कहाँ मिल सकता है, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वो अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, गुजरात में। जो अपने स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं वो एक बार चेक कर लेना कि आपको ये कोर्स लेने भी हैं या नहीं लेने। फिर जिन लोगों के परसेंटाइल कम है, यानी कि जिन लोगों के परसेंटाइल बिल्कुल 60% 50% में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, तमिलनाडु में, केरला यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके कोर्सेज़ भी आप देख लेना, जैसे कि HNGU हो गया, एक हो गया हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी हो गया, हिमाचल यूनिवर्सिटी हो गया, तो उनमें देख लेना कि MBA अवेलेबल है, तो उनमें आपको आराम से 40% 50% के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगर बात ही करनी है कि आपको MBA करना है, करना ही करना है, तो और दूर जाके नहीं करना है, तो उसका एक ऑप्शन है कि यदि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कहीं कॉलेज मिले तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के आसपास के जो कॉलेज हैं वो आप ले लीजिए, AKTU के अंडर ही आएंगे, जैसे कि GL बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, जयपुरिया हो गया, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब की जो फीस है वो फीस की रेंज होगी करीबन 4 से 5 लाख रुपए एवरेज, या 3 से 5 लाख पकड़ लो। इनका जो प्लेसमेंट होगा वो ठीक ठाक होगा। MBA के लिए क्या है, आपको दूर दराज के गांवों में तो जाना नहीं है, आपको एक्सपोजर चाहिए, तो आपको अगर प्राइवेट कॉलेज ही लेने हैं तो फिर दिल्ली के आसपास के कॉलेज लेना, इसके अलावा कई कॉलेज मत लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपको बता दिया, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास हो जाएगी एक तो सबसे पहले BHU, BHU के बाद HCU, CU पंजाब, DAVV इंदौर, DAVV इंदौर कई बार CU पंजाब से भी ऊपर चला जाता है, AKTU, BBAU, तेजपुर और नेहू यूनिवर्सिटी। परसेंटाइल यदि 70 से 90 के बीच में है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केरला महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर परसेंटाइल 60% 50-60% में है तो जम्मू, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, कर्नाटका, मैंने यहाँ लिखा नहीं कर्नाटका, ये आप सब अप्लाई कर सकते हैं अगर परसेंटाइल 50-60 के आसपास है। और कम है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास ऑप्शन होता है। फिर क्योंकि अभी चल रहा है कौन सा मंथ, अक्टूबर चालू हो जाएगा कल से, तो अगले 2 महीने बाद होने वाला है किसका एग्ज़ाम, कैट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपको यहाँ से अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो वो कैट का एग्ज़ाम दे देना, उस कैट के एग्ज़ाम से भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो एक बार वो भी देख लेना कि अगर आप दे सको तो कैट का एग्ज़ाम भी दे लेना, तो आपको वहाँ से भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये था MBA के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, तो वो सारा मैंने बता दिया। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
DAVB इंदौर के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसको लेकर अलग से वीडियो बनाइए, तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।